हेलो एवरीवन, दिस इज लावण्य मंगल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि अब वो कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी का पीरियड खत्म। एनटीए ने कल ही डेट्स अनाउंस कर दिए नीट यूजी 2021 का। एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 12th of September, ये तो सब अभी को पता होगा, राइट? बट द मेन ट्विस्ट इज एनटीए के आज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये सामने आया है कि द एग्जाम पैटर्न फॉर नीट हैज बीन चेंज्ड। शॉक्ड कुछ भी नहीं है भाई, अच्छा रिलैक्स, राइट? नो नीड टू बी पैनिक, है ना? बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कारण बता रहा हूँ, पहली बात तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका आपके प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको अभी भी वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आप करते आए हैं, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, पैटर्न पूरे भारत के लिए चेंज हुआ है ना? उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं सिर्फ आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके साथ नाइंसाफी है। पैटर्न इज सेम फॉर ऑल, ठीक है? तो कॉमन इफेक्ट रहेगा सभी स्टूडेंट्स पर। तो आइए समझते हैं कि पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं अभी। सो बेसिक चेंजेस ये हैं कि चार सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, पेपर के अंदर, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब एनटीए ने ये किया है कि हर सब्जेक्ट के अंदर दो सेक्शंस बना दिए हैं, वन इज सेक्शन ए एंड सेकेंड वन इज सेक्शन बी, राइट? सेक्शन ए के अंदर जो है 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच आपको 10 करने हैं, ऑल राइट? तो इन ऑल हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन, समिंग ऑल टू 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, ऑल राइट? ये कन्फ्यूजन से बाहर आओ कि 200 क्वेश्चंस हो गए, नहीं, स्टिल 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। नो चेंज इन मार्किंग स्कीम, नो चेंज इन पेपर मोड, अभी भी पेन पेपर ओएमआर पर ही होना है, राइट? तो अब सेक्शन ए जो है उसमें तो 35 क्वेश्चन सभी लोगों के लिए सेम आ रहे हैं। सेक्शन बी जो ऑप्शनल किया गया है, आउट ऑफ 15 आपको 10 करना है। उसका कारण ये है कि वेरियस स्टेट बोर्ड्स एंड इवन CBSE इज रिक्वेस्टेड कि कोरोना में बोर्ड्स के, 12th बोर्ड्स के टाइम पर हर जगह सिलेबस रिडक्शन अलग अलग टाइप से हुआ है, तो सभी के लिए ये जो है एक कॉमन चीज़ रहा है, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, इसीलिए उनसे एनटीए से ये चीज़ रिक्वेस्ट की गई थी कि आप कुछ ऐसा प्लान आउट कीजिए जिससे सबके लिए सेम रहे चीज़ें, राइट? तो एनटीए ने इस चीज़ को ऑप्शनल में डाल दिया है कि वो जब भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं वो ऑप्शनल में आएंगे, राइट? तो आपको प्रिपरेशन पर अपने पूरा ध्यान देना है, कोई चेंज नहीं है, ऑलराइट? जैसे आप प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर करिए। नाउ दिस इज द बैटल टाइम, ये चालू हो गया है ना, जंग का ऐलान हो चुका है, तो गेट योर सेल्फ, है ना, जितना आप कर सकते हो बिल्कुल बूस्टअप कर लो एंड बी प्रिपेयर्ड। आप सबके सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, यू आर श्योरली गोइंग टू क्रैक नीट एंड गेट इन टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इन केस आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली बायोलॉजी, तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पर, मैंने लिंक दिया है, DM कर दीजिए, या यूट्यूब के अंदर ही कमेंट सेक्शन में भी अगर आप बता देंगे तो आई विल कम आउट विथ सम एजुकेशनल वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिवीजन वीडियो, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, है ना, 10 से 15 मिनट का। तो ऐसे कोई भी टॉपिक्स अगर हैं, आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ फ्रीली मुझे बताओ, मैं उनके ऊपर वीडियोज़ लेकर के डाल दूंगा, ऑलराइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ये पहली बात तो इस न्यूज़ को सब दूर शेयर करो, अभी बहुत से लोग पैनिक हो रहे होंगे, सब तक के न्यूज़ पहुँचाओ, ठीक है, वो लोग का भी दिमाग थोड़ा ठंडा होगा, ऑलराइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? चैनल जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँगा, ऑलराइट? साइनिंग ऑफ, बाय बाय।